वेलकम टू द कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट डिनर? बिछा कर मोमबत्तियों का जाल उड़ा ले जाएगा मेरा माल। संतु जी, संतु जी, नहीं नहीं, किसे जा रहे हैं ये चीते चिकने? चार। थैंक यू। वेलकम सर। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। का चाचा? आपके पार्टनर कहाँ पर है? पार्टनर? पार्टनर कैसा पार्टनर? कौन सा पार्टनर आ रही है रास्ता में? बहुत खूबसूरत लग रही है। इनफैक्ट जब भी मिलती है पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती है। आपके चेहरे पे ये इनोसेंस, ये भोलापन आपकी खूबसूरती को और भी खूबसूरत बना देता है। जानती है पहली बार आपको देख कर मेरे मुंह से क्या निकला था? क्या? उफ, ये मासूमियत। आपसे एक बात पूछूं अगर आप बुरा ना माने तो? जी। आपने ये पुलिस फोर्स ही क्यों ज्वाइन की? आप इतनी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है ना, आप चाहती तो ग्लैमर वर्ल्ड में भी जा सकती थी। क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसी के लिए बनी हूँ। नहीं, ये भी बहुत अच्छा है, आप यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लगती है। अरे ये गुटरगुआशी को बोलना बंद करे, उसको पॉइंट पे लेके आना फटफट। वैसे आप बताइए आपके पापा के बिजनेस के बारे में। वो वाटर सप्लाई का बिजनेस है ना, कैसा चल रहा है वो? पापा को छोड़ो ना, आप अपनी बात कीजिए, कुछ बताइए ना अपने बारे में। मैं आपके पापा के बारे में बात करने ही आई। वैसे तो पॉसिबल नहीं है ये कि बेटे को अपने बाप के बिजनेस के बारे में पता ना हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपको वाकई नहीं पता तो मैं आपके बाप के काले कारनामों के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे पापा एक बहुत अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान? धनुष, तुम्हारे पापा एक चोर है, पानी के चोर। लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है धनुष कि तुम्हारे पापा की वजह से कितने लोग पानी के बिना मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। धनुष, जिसके पास पैसे नहीं है वो प्यास से मर रहे हैं, और जिनके पास पैसे हैं वो स्विमिंग पूल पर पार्टियां कर रहे हैं। किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अच्छे इंसान, तुम्हारे पापा की वजह से। धनुष, जरूरी नहीं है कि हर एक बाप अच्छा इंसान हो। हाँ, लेकिन हर एक औलाद को ये जरूर लगता है कि उनका बाप जो है सबसे अच्छा इंसान है। जैसे तुम्हें लग रहा है तुम्हारे करप्ट बाप के बारे में कि वो बहुत अच्छा इंसान है, जबकि वो नहीं है। बस बहुत हो गया, अब मैं और कुछ नहीं सुन सकता अपने पापा के बारे में। धनुष, तुम्हें समझने की कोशिश। थैंक यू। संतु जी, आप ठीक है संतु जी, आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप। उर्मिला, तुम्हारा प्लान फेल हो गया, वो अपने बाप के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलेगा। सफेदी की चमकारी उर्मिला महादेव मात्रे का आइडिया है, निशाने पे लगेगा इच। तू देख, गुलाब गुलाब दे दिया, गिफ्ट दे दिया। बहुत भीड़ लग रही है, बहुत भीड़। संतु जी, सुनिए। ओ सुनिए भाई साहब, इधर आओ, पुलिस इधर सामने आओ, पुलिस आओ। तुमसे देखो हमको बहुत जरूरी बात करने का है, तुम चलो हमारे थाने चलो, ठीक है? किस जुर्म में? क्या किया मैंने? जुर्म वर्म कुछ नहीं है, खाली बात करने का है, चलो तो थाने। करिश्मा मैडम, उर्मिला ने धनुष को उठा लिया है। कहा? किस जुर्म में? जुर्म तो बताया ही नहीं, बस उठा लिया है। ये क्या किया उसने? उसके बाप को अगर पता चल गया है ना तो कोहराम मचा देगा वो। कुछ ना कुछ आफत लाती ही रहती है हमारे थाने पे ये लड़की। तुम फोन दो उसको। हाँ, एक सेकंड। गिरेगा, पकड़। ये लो, क्या? एक सेकंड बात धोखे बस बोल सड़क सामने। सुनो, हम किसी को ना नहीं उठा सकते, तुम उसको वापस छोड़ दो। अरे मैं नहीं छोड़ सकती उसे, उसको छोड़ दिया ना तो अपने बाप को जाके सारी बात बताएगा, फिर बड़ा राड़ा करेगा वो। ये बात तो सही है। अब देखो ऐसा है, बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेन के हम यही कर सकते हैं, कानून के खिलाफ होता है, समझा करो, कानूनी भाषा है। ये बात भी सही है। अच्छा, उसका बाप जो कर रहा है इतने टाइम से, वो क्या कानूनी है एकदम? ये गलत है। देखो तुमको नहीं, अभी तू मेरी बात सुन। मैं है उर्मिला महादेव मात्रे, मैं कोई पुलिस वाली नहीं है, तो मैं इसको समझ कि मैं इसको किडनैप किया है। हाँ, उर्मिला महादेव मात्रे ने इंद्रजीत के बेटे धनुष को किडनैप किया, जिसको जो उखाड़ने का उखाड़ ले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.